अच्छा जैसे मान लो आपने 1,00,000 रुपया प्रॉफिट की और उधर परिवार में किसी का ऐसा रोग हो गया कि जांच जांच में 1,00,000 चला गया, अगर आप सत्य से कमाए हो तो 1,000 बचे, बस आप स्वस्थ नमक रोटी खा के है प्रभु का सुमिरन कर रहे। सत्य में ऐसा लगता है कि थोड़ा हम गरीबी में है लेकिन सुखी रहोगे, और असत्य में लगता है हम धनी हुए पर वो फिर वो कहीं ना कहीं रास्ते निकाल लेता है जिससे आपका वो नष्ट होता रहे। तो सत्य पे चलो, थोड़ा नमक रोटी खाओ कुछ दिन, फिर देखो सत्य का। अच्छा ये संसार के आदमी क्या तुम्हें प्रॉफिट देंगे? जब मालिक देगा तो निहाल हो जाओगे। देख सत्य पे चलो। हाँ थोड़ा हम ये मानते हैं कि पड़ोसी से थोड़ा तुम लो रह सकते हो, लेकिन जो ज्यादा चमकता है ना वो फ्यूज भी हो जाता है। ले लिमिट से चमकोगे तो प्रकाश बना रहेगा, और एकदम बेईमानी करके चमकोगे तो फ्यूज हो जाओगे। इसलिए फ्यूज होने की तरफ मत बढ़े, सत्य मार्ग में चले, वो दीपक की तरह भले जले, कुल परंपरागत सुखी रहेगा।